तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन का सब्जी। जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इसका सब्जी खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कलियाँ छुड़ाकर ले लिए और ये लहसुन को कली को हम छिलके सहित लिए हुए हैं, तो इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो हम उसमें सरसों तेल डाल दिए हैं सब्जी बनाने के लिए। आप जो तेल खाते हैं उसमें बना सकते हैं इस सब्जी को। तो तेल गर्म हो चुका है तो हम लहसुन को तेल में फ्राई करेंगे। बढ़िया से इसे चलाते हुए लहसुन को तेल में भूनकर फ्राई करेंगे। लहसुन भून रहा है तब तक हम मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मसाले में हम लिए हैं अदरक एक टुकड़ा और कुछ लहसुन की कलियाँ को पीस कर ले लीजिए या फिर घिस कर ले लीजिए। हम घिस कर लिए हुए हैं। और यहाँ पे मसाले में हम लिए हैं छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर, छोटे चम्मच से आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल पाउडर है। और यहाँ पे एक छोटे चम्मच का तिहाई भाग गुलमरीच पाउडर ले लिए हैं, आधा चम्मच जीरा पाउडर लिए हैं, छोटे चम्मच से एक चम्मच धनिया पाउडर है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच गर्म मसाला है, नमक स्वाद के अनुसार है। और यहाँ पे दो मीडियम साइज के प्याज को इस तरह छीलकर पतले पीस में काट लिए हैं, एक टमाटर मीडियम साइज के लेके और इस तरह पतले पीस में काट लिए हैं, थोड़े से धनिया पत्ता ले लिए और एक तेजपत्ता ले लिए। तो देखिए लहसुन बहुत ही अच्छा सुनहरा भून गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो दूसरा तेल हम नहीं डाले हैं, लहसुन फ्राई किए हैं उसी में तेल है, इसी में सब्जी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम एक तेजपत्ता लिए हैं वो डाल देंगे और यहाँ पे प्याज लिए हैं ये डाल देंगे और इसे अच्छे से सुनहरा भूनेंगे। मसाले जो लिए हैं इसमें हम थोड़ा पानी डालकर और मसाले को घोल लेंगे। प्याज भून रहा है तो लहसुन और अदरक जो घिस कर रखे और अच्छे से चलाते हुए इसे भी भून लेंगे प्याज। तो प्याज बहुत ही अच्छा भून चुका है तो अब जो मसाले घोल कर रखे थे इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। मसाले भून रहे हैं तो इसी में हम टमाटर डाल देंगे और मसाले के साथ टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। तो मसाला बहुत ही अच्छा भूनकर तैयार हो गया है, तेल भी इससे अलग हो गया है। तो अब इसमें हम जो लहसुन भूनकर रखे थे ये डाल देंगे और मसाले के साथ अच्छे से चलाते हुए मिलाकर थोड़ा भून लेंगे। तो मसाले के साथ लहसुन को भून लिए थोड़ा, तो अब इसमें हम ग्रेवी के आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे। लहसुन का सब्जी में ग्रेवी के आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिए हैं। लहसुन तो भूनने में आधा पक ही गया है और थोड़ा ग्रेवी में पक जाएगा, तो इसे ढककर अब हम पकाएंगे। उससे पहले इसके ऊपर हम धनिया पत्ता डाल देते हैं, ढक देते हैं और ढककर इसे पकाएंगे। तो ढक्कन हटाकर सब्जी देख लेते हैं। हम बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाए थे सब्जी को, तो बहुत ही अच्छा लहसुन का सब्जी बनकर तैयार हो गया और लहसुन भी बहुत अच्छा पक गया है। देखिए कितना अच्छा ये दब के कट जा रहा है, लहसुन बहुत ही अच्छा पक चुका है। तो सब्जी बनकर लहसुन का तैयार हो गया, लहसुन का सब्जी बनकर तैयार हो गया। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से धनिया पत्ता भी डाल देंगे जिससे कि सब्जी और भी अच्छा लगे। तो इस लहसुन का सब्जी को आप चावल के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है यह सब्जी। तो लहसुन का सब्जी का रेसिपी आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।